बिस्मिल्लाह रन रहीम हम जब सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट को प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कैसे उसके एक्शन से या ऑपरेशन से सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट चेंज होती है यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ चेंज होती हैं और उससे जो सेंट्रल बैंक की ओवरऑल मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ हैं यानी कि मॉनेटरी बेस वो कैसे चेंज होती है? तो इसमें जब हम ये डिस्कस कर चुके कि ओपन मार्केट परचेज से मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो जाती है तो अगला स्टेप ये है कि ओपन मार्केट सेल से क्या होता है अब पहले ये कि ओपन मार्केट सेल क्या है ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है जैसे ओ एम ओ परचेज ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन है लेकिन ये दूसरी साइड का है सेल यानी कि ये सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है अब जब सेंट्रल बैंक ने इनिशियली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी थी कमर्शियल बैंक से तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था और वो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि इंटरबैंक मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि मनी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना रिजर्व्स बढ़ाने के थ्रू उससे आपको याद होगा ओपन मार्केट परचेज से रिजर्व बढ़े थे और रिजर्व चूंकि मॉनिटरी बेस का पार्ट होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं मॉनिटरी बेस बढ़ गई तो रिजर्व बढ़ गए तो, बढ़ तो बैंकों के पास जो अवेलेबल मनी है लोन देने के लिए वो बढ़ जाता क्योंकि रिजर्व्स उनकी मिलकियत है तो अब हम देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन और उसमें स्पेशली ओपन मार्केट सेल ये क्या होता है तो ओपन मार्केट सेल हो गया कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के केस केस में में और कोई भी सेंट्रल सेंट्रल बैंक बैंक दुनिया के के किसी मुल्क के केस में, जो है वो जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का जो स्टॉक उसके पास अवेलेबल है जो उसने खुद किसी वक्त में कमर्शियल बैंक से खरीदा था उसको वापस सेल कर रहा है कमर्शियल बैंक को तो सवाल ये आएगा कि जब उन्हीं से खरीदा था तो उनको अब सेल क्यों कर रहा है स्टेट बैंक का या सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव उन सिक्योरिटीज के ऊपर प्रॉफिट कमाना नहीं होता ये ये मैंने आपको एक लेक्चर में बताया कि प्रॉफिट होता है वो होता है है अलग बात है, लेकिन वो उसको प्रॉफिट के लिए सेल या परचेज नहीं करता बल्कि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव बड़ा डिफरेंट होता है वो मॉनेटरी बेस को कंट्रोल कर रहा है उसके लिए कभी सेल करना पड़ता है कभी परचेज करना पड़ता है तो यहां हम ये सीख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जब ओपन uh, मार्केट में ओपन मार्केट से मुराद बैंक्स को या प्राइमरी डीलर्स को जब क्या करेगा सेल करेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव है जब वो कंट्रोल करना चाहिए यानी कि जैसे मनी कम हो गई थी सिस्टम में ने तो उसने ओपन मार्केट परचेज कंडक्ट कर दिया अब सिस्टम के अंदर इकोनॉमी के अंदर ओपन मार्केट के अंदर या इंटर बैंक मार्केट के अंदर क्या हो गया मनी ज्यादा हो गई है तो सेंट्रल बैंक जाता है के मनी को कम करें ताकि एक मुनासिब लेवल पे मनी रहे तो उसने कंडक्ट कर लिया ओपन मार्केट सेल ये भी दो बिलियन रुपए का है और प्रैक्टिकली क्या किया उसने दो बिलियन का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो कमर्शियल बैंक्स को बेच दी सेल कर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ा है देखें, उनके एसेट्स की साइड पे उनकी सिक्योरिटीज में दो बिलियन रुपए का इजाफा हो गया क्यों क्योंकि स्टेट बैंक ने बेची हैं या सेंट्रल बैंक ने बेची हैं तो कमर्शियल बैंक ने खरीदी हैं तो उनके तो एसेट्स बढ़ गए लेकिन एट द सेम टाइम कमर्शियल बैंक ने पेमेंट करनी होगी स्टेट बैंक को अब वो पेमेंट कैसे करेंगे पेमेंट इस तरह से करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक के अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होते हैं तो सेंट्रल बैंक उस अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा अमाउंट और चूंकि उस डिपॉजिट को रिजर्व कहते हैं तो रिजर्व में कमी वाक हो जाएगी तो हम कहेंगे कि कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स कम हो गए दो बिलियन रुपए से तो इसका मतलब है उनके एसेट्स में दो तब्दीलियां आई क्या सिक्योरिटीज बढ़ गई गवर्नमेंट की रिजर्व्स कम हो गए अब याद रखें ये दोनों कमर्शियल बैंक के एसेट हैं तो एक एसेट बढ़ गया एक एसेट कम हो गया तो दोनों के केस में नेट रिजल्ट क्या आया जीरो एक एसेट दो बिलियन से बढ़ गया एक एसेट दो बिलियन से कम हो गया

तो सीधी सी बात है उसके अंदर सिक्योरिटीज में दो बिलियन रुपए की कमी वाक्य हो जाएगी लेकिन साथ ही साथ उसने जो रिजर्व रखे हुए थे कमर्शियल बैंक के जो उसके जिम्मे लाइबिलिटी थे उसमें से उसने दो बिलियन रुपए डिडक्ट कर लिए तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट गिर गया दो बिलियन तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी दो बिलियन से गिर तो जब सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी दो बिलियन से गिरेगी तो याद रखें कि फिर क्या होगा कि दो बिलियन से लाइबिलिटी गिरे यानी कि रिजर्व गिर जाए तो मॉनिटरी बेस की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि करेंसी प्लस रिजर्व तो जब रिजर्व गिर गए तो इसका मतलब है मॉनिटरी बेस कम हो गई और याद रखें कि सेंट्रल बैंक ने ये ओपन मार्केट सेल जो है ये कंडक्ट ही क्यों किया था उसने इसीलिए तो किया था कि मॉनिटरी बेस कम हो तो ये तरीका है मॉनिट्री बेस कम करने का तो आपने याद रखना है करेंसी कम हो जाए या रिजर्व कम हो जाए दोनों सूरतों में मॉनिटरी बेस कम होती है लेकिन जो मैकेनिज्म चलता है ज्यादा वो चूंकि बैंक के और सेंट्रल बैंक के दरमियान चल रहा है तो वो ज्यादा रिजर्व अकाउंट में चलता है करेंसी में नहीं और आपको साथ ही ये भी बता दूं कि रिज़र्व्स और करेंसी का प्रैक्टिकल मीनिंग एक ही होता है आप यूं समझ लें कि करेंसी मेरे और आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं और रिजर्व जो है वो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के दरमियान ट्रांजेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट है। अदरवाइज रिजर्व इज फुलसीव को में करे तो चूंकि दोनों इशू होते हैं रिजर्व भी और करवर्टेबिलिटी uh, तो में कोई प्रॉब्लम नहीं तो याद रखें जब मैं कहता हूं रिजर्व बढ़ गए मॉनिटरी बेस बढ़ गई और उससे अल्टीमेटली मनी बढ़ी तो उससे आपने ये नहीं सोचना करेंसी तो नहीं बढ़ी करेंसी बढ़े या रिजर्व्स बढ़े दोनों का मीनिंग है मॉनिटरी बेस बढ़े थैंक यू